दो किलोमीटर अगे बनते साइफल ले चल जगह सारी भाई हरियाणे की है अपा जो बंद बंद की जगह कोट दे रहे सारी जगह हरियाणे की है अगे बंद शुरू होगा जी बंद अपना हाई कोर्ट के थ्रू जगह लैके मुल पंजाब सरकार ने फिर बंद लाया है जो बंद टुटता 400 पिंड पंजाब के डुबते ने डीसी इतने नहीं कितने नहीं नहीं हरियाणे हरियाणे वाले है हरियाणा तो ये सड़क होगी ना। हाँ जी, लेकिन हमारा तो वहाँ पर जो बंद वाला एरिया है वो तो हम कोर्ट से जीते हुए हैं। एसडीएम साहब को चेयरमैन का आप क्या चाहते हैं? मतलब चलो कोर्ट से देखा, ये एरिया हमारे कंट्रोल में। कौन सा जिसपे हम खड़े बंद वाली जगह पंजाब लेकिन जहाँ पर बंद लगा हुआ है वो हमारी हरियाणा। तो फिर आप बंद तोड़ना चाहते होंगे? कंट्रोल क्या क्या एसडीएम साहब फिर वो कंट्रोल क्या करेंगे आप फिर उससे? हम बस ये चाहते हैं कि सर पंजाब पुलिस हमारे यहाँ से बाहर है, ठीक है, और जो है हमारा कंट्रोल है, हमारे लोग यहाँ पे करें काम, हमको कोई इशू नहीं है। पंजाब पुलिस बाहर हो जाए और आप बंद तोड़ के पानी इधर निकाल दो, यही है ना? हमारे लोग काम करें देखो देखो भाई सुनो भाई एसडीएम साहब बात ये है, आपसे हमारी गुजारिश है, अब पानी वो तो आ ही गया है वहाँ तो उधर पानी है ही है, अगर इधर पानी आपको पकड़ा देते हैं ये जगह मान लीजिए, अगर आपकी भी बात मान लेते हैं, हालांकि जो जगह वाली जहां बंद लगा हुआ है वो पंजाब के हम कोर्ट से जीते हुए, हमारे पास कागज है, हमारा डीसी दिखाएगा आपको, हम देख रहे हैं, ऑफिसर को दिखा देगा, अगर आप समझते हैं कि आपको दे दें हम, आप नेचुरली आप क्यों मांग रहे हैं? आपको तो मानना यही है कि पानी इधर आ जाए बाद में हम इधर वाले को बचाएंगे, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हरियाणा और पंजाब के लोग लड़ जाएंगे। अब जो बंदा ऑलरेडी डूबा हुआ है जब पानी ऑलरेडी है उसको इधर आ जाएगा तो ये तो और मर जाएंगे बेचारे। मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप बहुत आदरणीय हैं और हरियाणा से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बट डोंट डू दैट कि आप यहाँ से फोर्सली, क्योंकि हमने कौन सा कब्जा तो किया ही नहीं हुआ,
हम नहीं, ये कोई ना अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर तो नहीं है कि ये आपकी जगह या हमारी जगह, हम चाहते हैं हमारे कब्जे में आ जाए। हम तो कल को जब पानी नहीं होगा आप आगे तक आ जाना, हम तो हरियाणा को आगे ले जाएंगे। लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब आज आपका ये बात कहना, इससे तो बहुत ही काम खराब हो जाएगा यार, कि हमारे कब्जे में आ जाए। 400 मैं कह रहा हूँ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। हमारे सिदानी और चांदपुरा के गांव लोग हमारे हैं, हमारे गांव के हैं, ठीक है। वो यहाँ पे काम करेंगे, कोई इशू नहीं है। बस पंजाब पुलिस जो है वो अपने पंजाब में चली जाए, और जो है पंजाब के जो गांव वाले लोग हैं वो भी अपने अपने गाँव। हमारा बॉर्डर लगता है, हम मतलब ये तो नहीं, नहीं अपने बॉर्डर नहीं, नहीं आप अब हरियाणा पुलिस वाला वहाँ पर आ जाए तो हम उसको भगा देंगे क्या? नहीं, आप यार समझदार आदमी हो, अगर हरियाणा वाला पंजाब में आ जाए पुलिस का कैंटर लेके, ये पाकिस्तानी तो आ ही नहीं गया। पंजाब के लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा वैसे टूट जाए, आफत से टूट जाए तो टूट जाए सर, एक से एक, लेकिन धक्के से आप हमारा बंद मत तोड़ देना। वो हमारी लड़ाई है, वो हम टूटने नहीं देंगे। 400 देख रेख आपका सर, अपने इतने फंड खर्च कर दे रही बात हो गई है सर। तो हम बस एक रिक्वेस्ट करते हैं सर, आप जो है हमारे पंजाब पुलिस हमारे एरिया से चल रही है और हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। भैया अगर पंजाब पुलिस नहीं होगी, मान लो आपस में लड़ गए, सर आपका हरियाणा पुलिस इज मोर देन नहीं, नहीं पंजाब पुलिस और आपकी पुलिस का तो यार आपस में क्या पुलिस पुलिस थोड़ी लग जाएगी। हमारे पुलिस वाले आपके पुलिस वालों को क्या कहते हैं? आप पंजाब इरीगेशन के इंजीनियर्स को भेज दो, वो डिजाइन तो करेंगे, कुछ किस लेवल तक करना है डिजाइन तो देंगे ना जी। ये जमींदार को क्या पता तो यार, लेकिन ये भी आपका धक्का है ना, बिल्कुल ही शरेआम कि हमारा जगह दे दो, नहीं देंगे हम जगह। नहीं आप नहीं गलत कह रहे हो आप, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं लेकिन आपकी डिजाइन पता होगा क्या डिजाइन करना जमींदार को। आपका आपका ये मुद्दा ठीक है, आपने ये कहा, लेकिन आपका पहला मुद्दा ये है कि भैया जगह छोड़ दो, पंजाब पुलिस चली जाए। क्यों चले जाए हम? नहीं एसडीएम साहब आप गलत बात कर रहे हैं। ओ भाई यार यार तू बोलेगा तो फिर फिर हम चले जाते हैं। तू बात कर ले, हम चले जाते हैं। एक काम मेरा सजेशन एक काम कर लेते हैं, जो संबंधित पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है उसके डीसी साहब को बुला लेते हैं, हमारी डीसी मैडम के साथ, यहाँ हमारे चांदपुरा रेस्ट हाउस में बैठ के बात करा लेते हैं। ये तो बात सब ठीक है, आप उल्टा यही करें, डोंट से एनीबडी दैट यू टेक योर पुलिस बैक, अदरवाइज ये लोग आपसे खफा हो जाएंगे, हम भी आपसे खफा हो जाएंगे, हम भी लड़ेंगे आपके साथ। आप ये कहो कि दोनों डीसी बैठ के आपस में बैठें, तो आपस में इरिगेशन के लोगों को बुलाएं, हम दोनों उन गांव का और इन गांव का किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं उसके ऊपर बात करें। राधर दन सिंह की पंजाब पुलिस चली जाए और हम चले जाए, हरियाणा और पंजाब पुलिस के दोनों ही, मैं तो कहूंगा हरियाणा वाले भी यहां रह लेंगे, हमें कोई डर नहीं, हमारे भाई हैं, हमने लड़ना थोड़ी है, पर लेकिन इसका समाधान निकालें। बट व्हेन यू से दिस कि भैया अपने पुलिस ले जाओ, ये हमारी जगह है, ये ऐसा लगता है अरुणाचल और पाकिस्तान हो गया और चाइना सी वॉर हो गए, ये मत कीजिए। यू आर एसडीएम रिस्पॉन्सिबल मैन, यू से कि भाई डीसी और एसडीएम को बुलाएं, वो टेक्निकल प्वाइंट समझ के हमारी बात करें। यस सर, एंड प्लीज डोंट से दिस, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू, यू आर ए वंडरफुल यंग गाय, इनको जब ये कहोगे ना, खास करके पंजाब वालों को, यहाँ से चले जाए फिर तो साले जाएंगे ही नहीं। यू शुड नॉट से दिस, टेल देम कि स्टे हियर, हमारे दो ऑफिसर बात करें, हम चाहते हैं वो भी ना डूबे, हम चाहते हैं ये भी ना डूबे। सो आई विल टेल डिप्टी कमिश्नर, आपके डीसी को चलो 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 चल
मसला तो यह अजी साडे हरियाणे वाले जो आप बनते हैं जी केड़े बनते केड़ा पिंड अच्छा चलो दो पिंड इतने आस पास हाँ जी चांदपुरा बन आए हैं जी साडे प्रेजिडेंट ने जो राजा बडिंग जी मसला समझाओ जी इतने की चक्कर की है जी मसला समझाओ मसला तो इतने जो है जो बन है वो है पंजाब के लोगों से सेफ करना है उन्होंने उन्होंने उतों के प्रशासन समझाया चंगी तरह भी जरा इतों आना है थोड़ा टुकड़ा जिते बन है हरियाणा तो उन्होंने दस मुताबिक जो उतों ने दसिया उन्हें दस मुताबिक जो जगह बन वाली हरियाणा की है पंजाब के लोगों की सेफ्टी वास्ते भी वो लोग उतों शरारत ना जा उधरों पानी इधर प्रधान जी ने इसलिए वेस्ट किया प्रशासनिक अधिकारियों गल की हरियाणा ने भी गल की है भी यह असि नहीं होने देंगे खब्बे पासे जिनी जमीन है जी कि चांदपुर पिंड च है ये बडलाडा साडा कॉन्स्टिट्यूसी का पिंड है सो इथे असी आए हैं इधरले पासे हरियाणा है इधरले पासे पंजाब है और ये क्लेम करदा हरियाणा भी ये साडी जगह है जबकि मेरी इनफॉरमेशन के मुताबिक जां जेड़ा मेनू पता लग्या कि ये जगह उन्हां दी है लेकिन देख रेख एरी पंजाब करदा है बड़े साल तो लेकिन जेड़ा बन है जिथे बन लग्या
ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ 400 ਪਿੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਇਸ ਬੰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਤੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ SDM ਟੋਹਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦਪੁਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕ ਲਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਭਾਲੋ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੋਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸ ਗਿਆ, ਫਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜੰਗਾ ਅੜੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, DSP ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬੰਦ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਬੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ 400 ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਬਰੇਟੇ ਦਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਚਨੀ ਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ SSP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਨੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਾਉਣੀ ਆ ਪੋਕ ਲੈਣ ਉਹ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। DC ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਲੋ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਫੋਟਾ ਘੰਟੇ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਬੰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨੀ ਦਿੰਦੇ। ਬੰਨ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾ ਲਾਂਗੇ? ਪਾਣੀ ਆਦਿਆ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨੀ ਉੱਠ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਨੀ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਪਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਛੇਤੀ ਹੋਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੰਨ ਕਾਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ? ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓਹਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜੜ ਬਣੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਬੰਨ ਨੂੰ। ਮਦਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਦ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ 100% ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਗਰ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੀ ਤੋੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ।
सो जो प्रशासन और पिंड के लोगों नू भी बेनती है कि भाई कोई ट्राली ट्राली मिट्टी की भर के भी तुसी इत्थे जे पहुंचोगे तो बहुत चंगी गल है। जिन्हें भी लोग हैगे किसी व्यक्ति को अगर पोक लैन हैगी सानू इनफॉरमेशन दिती जावे असी उन्हूं किराए ते लैके जा सकते हैं। इहदे बारे भी किसी नूं कोई जानकारी हैगी तां कृपा करके दिओ जो क्योंकि जे एक पोक लैन आ जाए हुणे हरियाणे तो लई सी किराए ते उह लै गए उन्हूं धक्के नाल। सो जे मिल जाए तो उहदे नाल असी काफी मजबूती बन्न दी होर कर सकते हैं ते उहदे विचों अड़ंगा जिहड़ा उह कढ सकदे हां। रस्ते जान लग गई रात भी गल हो मेरी कहते रस्ते जा रही तक रस्ते गड्डी ले आओ यार और नाल ही नाल मैं मुख्यमंत्री साहब नूं भगवंत मान जी नूं बेनती करना चाहना जे किते सुन रहे होण और मैं कोशिश करदा वीनू प्रसाद जी नूं भी फोन ते कहना है कि चांदपुर पुल नूं बन्न नूं बचा लिया जावे जे मानसा जिला डुबन तो बचा है नहीं तो मानसा जिला भी डुब जाएगा। चांदपुरी नानक जी अपन पोक लेन नहीं मिल सकती नहीं अपन पोक लेन मिल जाए यह बच जाएंगे जी आप नहीं फसे रहे सारे जने पिंड भी बर्बाद हो जाएंगे पोक लेन मंगते सारा बन ही है सामने इतनी अगे चार दिन पानी इतने लगे रहे नौ 95 के टुट गए 93 टुट गया लंबा काफी मोटरसाइकिल दो चार मुड़े लोग दो तीन किलोमीटर दस देते।
मेन तो उठी है सर मेन उ भाई जी साइफल माइकल एक दिन तो मान साहब बहुत एमरजेंसी हाँ ते बंद ते बड़लाटा मान काफी पानी बढ़ चुके है और हरियाणा आले तक्का कर रहे हैं हरियाणा का पुलिस प्रशासन काफी इत्थे पहुंचे है और लोगों की डिमांड है कि एक तो साडे नहीं वो बंद ते पूरी टास्क फोर्स भेज दिती जावे और दूसरा जड़ा है पोकलैंड मशीन दिया दो दा इंतजामात लोग मांगते हैं ता जो असी मजबूत कर लिए होर बन नू क्योंकि जे बन टुट गया ता सारे पिंडा दे पिंड इधरले पासे 400-500 पिंड तबाही मच सकती है मानसा बड़लाडा दे विच सो मेरी बेनती है जे किते तुसी आ वीडियो थोड़े कोले पहुंचे ता प्लीज जरूर गौर फरमायो और ये बड़ा जरूरी है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू